వెల్కమ్ టు బీటీఎస్ వార్తలు. ప్రతి క్షణం తాజా వార్తలు అందించేదే బీటీఎస్. ఈ రోజు తాజా వార్త చూడండి. కోషిష్ జితనా హో సకే హమ్ అప్కే ఎలక్షన్స్ మే హమ్ ఇస్కే లియే హమ్ కామ్ కరేంగే, అవామ్ కే లియే హమ్ కామ్ కరేంగే జో అబ్ తక్ కోయి పార్టీ కరీ. హమారా మక్సద్ ఏక్ హీ రహేగా కి హమారే జో వాదే కియే గయే హై కేసీఆర్ సాహబ్ సే, యే వాదే పూరే ఇంప్లిమెంటేషన్ హో ఔర్ యే వాదే జితనే కర్కే జో రిజెక్ట్ హో చుకే హై ఔర్ అబ్ తక్ కే జో హై కాఫీ సాల్ హో చుకే హై ఔర్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ జో హై ఇంప్లిమెంటేషన్ పే నహీ ఆయీ హై, తో మే రిక్వెస్ట్ కరూంగీ కి సారీ అవామ్ కో జో హై కాంగ్రెస్ కా సాథ్ దే और साथ हम अप्रूव करके दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड. शुक्रिया. आवाम का ये कहना है कि टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी वादा करती है, कांग्रेस से ऐसी वादा करती है, उसको लेकर सबसे बड़ी आपकी आपकी पूरी नहीं. इंशाल्लाह हम लोग मुकरेंगे नहीं, हम लोग फील्ड पे आपको नजर आ जाएंगे. और मीडिया का मैं शुक्र अदा करूँगी जो अपना टाइम निकाल के हम लोग का साथ दे रहे हैं. और हम प्रूव करेंगे फील्ड वर्क करके और आपको आगे इलेक्शंस में आपको नजर आ जाएगा. और हम इंशाल्लाह थोड़ा वक्त ले जाएगा लेकिन हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे. सिटी गेट की मस्जिद में हम ये मस्जिद पहली चीज़ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी चीज़ है ये चीज़ों को किसी के राइट्स नहीं है कि इसको तोड़ा जाए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ अगर आपके घर पे घर में आके कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो जो है आप खामोश नहीं बैठते, तो ये पूरा प्लान रहता है. और अगर ये मस्जिद होते तो हम चाहेंगे कि ये मस्जिद वहीं पर बने और नेक्स्ट उसमें जो है ऐसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड रहते हैं कि इनको परमिशन इनके लिए बग़ैर मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकते एज पर लॉ. तो ये बग़ैर इन्फॉर्म करके ये चीज़ हुई तो ये बिल्कुल एक साजिश के तहत होती है. और हम इसके लिए ज़रूर लड़ेंगे मस्जिद बोलकर नहीं कि हमारा सेक्युलर कंट्री है तो मस्जिद मंदिर हम हर किसी भी मजहबी चीज़ को कोई हाथ ना लगाए, इसके लिए हम बराबर करेंगे. और आगे आप लोगों को ये ज़रूर हम बताएंगे कि हम लोग का क्या मकसद है. मैं हमारे प्रेसिडेंट श्री उत्तम कुमार रेड्डी जी, ये तो अब गर्म माहौल है, इलेक्शन इलेक्शन का सीजन है, गर्म इलेक्शन फेस्टिवल बोल सकते हैं, अभी स्टार्ट हो रहा. तो इसके वो जीएचएमसी इलेक्शन का इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये तेलंगाना के इंचार्ज है. लेकिन एक नौजवान जो यहाँ पर हिंग लीडर जो इनको इंचार्ज बना रहा है तेलंगाना का, अब क्या समझते हैं कि आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जीएचएमसी इलेक्शन के अंदर इसका एक अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कांग्रेस राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और दिगर कांग्रेस के बड़े जो टिकट लीडर है वो चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर एक कांग्रेस की बड़ी मुहिम काम करे. इसके लिए पूरे नौजवान लीडर्स को तेलंगाना के अंदर जमा किया. इस तरह से मंगलसूत्र पुराने शहर में जो वादे कर रही है कि पुराना शहर बोलते तो गुरबत की जिंदगी में जीरा दो छोटी बीजेपी. मैं शेख मोहम्मद करीमुद्दीन, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन एंड कंटेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा. आज हम जो है एआईसीसी
ఆయన చెప్తున్నాడు.